गाइस थार को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, थार थार है एंड थार इज नॉट अ कार। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी थार के नेगेटिव्स, तो हमारे कुछ प्यारे प्यारे भाइयों ने भर भर के कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाया था, तो आज उन्हीं भाइयों के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं थार के 17 पॉजिटिव पॉइंट्स। गाइज मैंने ऑलमोस्ट 3,500 के आसपास गाड़ी चला ली है, तो अभी फिलहाल जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे को समझ में आए हैं वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। पहला पॉजिटिव पॉइंट भाई ये है कि कोई भी गाड़ी 13 लाख रुपए के फिगर में डीजल इंजन नहीं ऑफर कर रही है। जितनी भी सेडान्स आ रही थी या हैचबैक आ रही है भाई, धीरे धीरे सारी कंपनीज डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर रही हैं, तो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है कि भाई थार जैसी गाड़ी 13 लाख रुपए के फिगर में आ रही है और डीजल इंजन के साथ। अगला पॉजिटिव पॉइंट ये है भाई कि ये गाड़ी 4X4 ऑफर नहीं करती है। जी हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पहली बात तो ये 5 से 6 लाख रुपए आपके बचाती है 4X4 के कंपैरेटिव में, और दूसरी बात ये कि भाई ये ऑलमोस्ट 50% जितनी ऑफ रोडिंग तो कर ही सकती है 4X4 के कंपैरेटिव। जी हाँ, मैं अभी इस गाड़ी से अपनी स्पीति वैली होके आया हूँ और भाई जिस जिस टेरेन्स में मैं इस गाड़ी को लेके गया हूँ तो भाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया है, और मैं इस चीज़ को क्लेम कर सकता हूँ कि एटलीस्ट ये गाड़ी 4X4 के 50% तो ऑफ रोडिंग कर ही सकती है। गाइस अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, ये गाड़ी सेफ कितनी है। सेफ्टी की अगर बात करें तो ये गाड़ी ABS विद EBD ऑफर करती है, एंटी थेफ्ट अलार्म ऑफर करती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉकिंग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, ये सारे ही फीचर्स कंपनी ऑफर करती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फॉलो मी हेडलैम्प्स, ये सारे ही फीचर्स गाइस ये गाड़ी में कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है इस गाड़ी के फेवर में। और गाइस जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये गाड़ी ग्लोबल NCAP में 4-स्टार रेटिंग लेके आई है, तो भाई आप जानते ही हो महिंद्रा का लोहा कैसा होता है, फाड़ के रख देता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ फाड़ के रख देता है। गाइस महिंद्रा का लोहा इतना मजबूत होता है कि इसमें कोई हमें मतलब डाउट करने की बात ही नहीं है। बाकी आप जानते ही हो यार, इसके कॉम्पिटिटर्स जो इस प्राइस सेगमेंट में और भी गाड़ियां आ रही हैं, मारुति ह्यूंडई, उनके क्या हाल है। ग्लोबल टेस्ट में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है वो तो सबने देख रखा है। कोई गाड़ी 0-स्टार, कोई गाड़ी 3-स्टार रेटिंग लेके आ रही है। 3-स्टार रेटिंग लाने के बावजूद भी उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, तो भाई वो किसी से नहीं छुपा है। बाकी इसकी जो कॉम्पिटिटर आ रही है जिमनी, देखने में वो भी कोई ऐसे सॉलिड नहीं लगती है, बाकी जब रोड्स पे आएगी उसके बाद पता चलेगा कि वो क्या गुल खिलाती है, ये वाले गुल। गाइज अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, वो है इसके एयरबैग से रिलेटेड। जी हाँ, ये गाड़ी 2 एयरबैग ऑफर करती है, एक एयरबैग ये, एक एयरबैग ये। खैर ये पॉजिटिव पॉइंट एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि अब हमारी इंडिया में मैंडेटरी हो गया है, हर गाड़ी में 2 एयरबैग कंपनीज ऑफर करती हैं, तो इसके लिए भाई मैं बहुत खुश हूं कि एटलीस्ट जितनी भी कंपनियां हैं वो अब 2 एयरबैग तो ऑफर कर ही रही हैं। सो गाइज अगला पॉजिटिव पॉइंट जो है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसके इंजन को। भाई कंपनी थार 4X2 में 1500cc का इंजन ऑफर कर रही है विद 117 bhp। भाई आपको श्योरली डेफिनेटली बता रहा हूँ ये चीज़ कि ये गाड़ी कहीं से भी अंडर पावर नहीं है। मैं हिल्स पे ले जा चुका हूँ इसको कई बारी, और अभी मैंने रिसेंटली स्पीति का ट्रिप मारा है भाई, इतने एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी ये गाड़ी मैं लेके गया हूँ, इस गाड़ी ने मेरे को कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया। हर जगह हर टेरेन्स पे ये बहुत प्यार से निकली है, किसी भी एंगल से भाई ये गाड़ी अंडर पावर नहीं है। गाइस अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी ड्राइविंग एंड हैंडलिंग। जी हाँ भाई, जो पहला जनरेशन आता था थार का, जो आज से बहुत टाइम पहले आती थी, जो इससे पहले आती थी भाई, वो बहुत बेसिक थी, उसमें ना फीचर्स थे ना कुछ था,
तो उसकी जो ड्राइविंग एंड हैंडलिंग थी वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, वो सिर्फ 4X4 गाड़ी थी। बट अब जब से ये वाला जनरेशन आया थार का, भाई इसकी ड्राइविंग एंड हैंडलिंग बहुत इंप्रूव हो चुकी है। खैर इंप्रूव वाली बात ही नहीं है भाई, ये चीज ही अलग बना दी कंपनी ने। तो भाई ये एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल भी लोग इसे यूज कर रहे हैं और लोग इसे एडमिट कर चुके हैं कि भाई हम इसे फैमिली कार बना के भी चला सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं ही हूं कि मैं इसे एक फैमिली कार के तौर पे मैंने इस गाड़ी को रखा हुआ है एज अ प्राइमरी कार। सो गाइस अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, वो है इसके टायर्स एंड अलॉयज। भाई आप कमेंट में बताओ मेरे को कौन सी ऐसी कंपनी है जो 13-13.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में इतने ह्यूज टायर्स ऑल टेरेन देती है और 18 इंच के अलॉयज ऑफर करती है। भाई मेरे हिसाब से तो 18-20 लाख रुपए की भी कोई गाड़ी नहीं है जिसमें कंपनी इतने ह्यूज टायर्स ऑल टेरेन टायर्स विद 18 इंच अलॉयज ऑफर करती है। एंड साथ में जो स्टेपनी टायर है भाई वो भी सेम साइज का है, 18 इंच का एलॉय एंड सेम टायर साइज। गाइस अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसके मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। भाई इकलौती यही ऐसी गाड़ी है जिसमें हजार तरह के मॉडिफिकेशंस हैं। अगर आप मार्केट में जाते हो इसकी मॉडिफिकेशन कराने तो भाई आप कुछ भी करा सकते हो, इसकी टेल लाइट से लेके हेडलाइट, रिफ्लेक्टर, एलॉय, टायर्स, साइड बीडिंग्स, इसकी ग्रिल, बहुत कुछ आप इसमें मॉडिफाई करा सकते हो। तो गाइस जितने की ये गाड़ी आती है ना उससे डबल पैसों में आप इसकी मॉडिफिकेशन करा सकते हो। तो एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस गाड़ी में मॉडिफिकेशंस आप इतनी सारी कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता और कोई गाड़ी है इस सेगमेंट में जिसमें आप इतनी हजारों तरह की मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। सो गाइस अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। भाई देखो कितनी ऊंची गाड़ी है ये। गाइस इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है कि आपको कहीं भी डर नहीं लगेगा कि आप इस गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हो। मतलब मैं तो स्पीति हो आया और पता नहीं कहां कहां मैंने घुसेड़ दी। भाई जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो गिरता ही नहीं है। इस सेगमेंट में, इस प्राइस ब्रैकेट में जो हैचबैक्स आती हैं वो आप कहीं भी नहीं ले जा सकते, ऐसे टेरेन में नहीं ले जा सकते जहां पर आप इसे ले जा सकते हो। तो ये वाला पॉइंट इसके फेवर में आ जाता है। गाइस अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि इस गाड़ी में भाई फीचर्स के नाम पर सब कुछ है जो एक आम इंसान को चाहिए, मींस लग्जरी में चाहिए, जैसे कि पावर विंडोज, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टेयरिंग कंट्रोल्स, सीट हाइट एडजस्टमेंट, हिल होल्ड कंट्रोल्स एंड जो मेन चीज है रियर डिफॉगर। सो गाइस ये जितने भी फीचर्स मैंने आपको गिनाए हैं ये सारे फीचर्स लग्जरी में आते हैं और ये बेसिक फीचर्स है जो एक आम इंसान को चाहिए और वो सारे कुछ इसमें मिल रहे हैं। तो भाई वैसे ही ये गाड़ी वर्थ हो जाती है। एंड गाइस अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज भाई अपना एक सेकंड लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है और जब मेरे को मोटिवेशन मिलती है तो मैं आपके लिए और कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। गाइस अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी ब्रेकिंग से रिलेटेड। जी हाँ, अब आप कहोगे कि ब्रेकिंग तो बहुत घटिया है थार की, बट नहीं, मैं इस चीज में एग्री नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि थार में कंपनी ने ब्रेकिंग पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मैं इतने अच्छे हाई टेरेन्स में गाड़ी लेके गया हूँ और वहाँ पर ब्रेक्स बहुत अच्छे काम किए हैं, जबकि बैक में इसमें ड्रम ब्रेक ही कंपनी ऑफर करती है एंड आगे डिस्क ब्रेक्स। बट भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ इसकी ब्रेकिंग से। गाइस अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी सीट्स। जी हाँ, अगर आपको ख्याल हो जो पहला जनरेशन आता था थार का उसकी जो सीट्स थी वो बहुत स्टिफ थी, बहुत अनकंफर्टेबल थी, बट इसकी सीट्स गाइस बहुत कंफर्टेबल है, बकेट फिनिश में आती हैं और इनका जो लुक है वो बहुत अच्छा है। तो भाई मेरे लिए ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। गाइस अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसका म्यूजिक सिस्टम। जी हाँ,
पहले इसका म्यूजिक सिस्टम मुझे कुछ खास नहीं लगता था, बट अभी हाल ही में मैंने कुछ ऐसी गाड़ियां देखी हैं जो इससे हायर प्राइस सेगमेंट में आती हैं और उनके स्पीकर्स भाई बहुत घटिया हैं। तो उससे कंपेयर करने के बाद भाई मेरे को इसके स्पीकर्स अच्छे लगने लग गए हैं। इतने घटिया भी नहीं है जितना ओवर हाइप बने हुए हैं कि थार के स्पीकर्स बहुत घटिया हैं। नहीं भाई, इतने घटिया भी नहीं है। वो जब आप लाइव जाके सुनोगे तब आपको वो चीज़ पता चलेगी कि इसके स्पीकर्स कितने कैपेबल हैं। बट हाँ, अगर आप बहुत बड़े म्यूज़िक लवर हो तो ऑब्वियसली आपको अपग्रेड कराने पड़ेंगे। बट अगर आप आम पब्लिक हो, आप नॉर्मल गाने सुनते हो, तो आपके लिए भाई ये मोर देन सेटिस्फैक्ट्री वाले स्पीकर्स होने चाहिए। एंड जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसका जो यूआई है वो बहुत क्लीन है, बहुत बेसिक है, मतलब उसमें कुछ लैग नहीं है सच। तो भाई वो चलाने में ना बहुत यूज्ड टू आप हो जाओगे। बहुत क्लियर है, बहुत क्लीन है, मतलब आप आराम से उसको चला सकते हो। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है थार के लिए। मेन चीज़ ये है कि कंपनी इसमें एटलीस्ट वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ऑफर कर रही है। नहीं तो पहले जो जनरेशन की थार आती थी उसमें तो कंपनी आई गेस म्यूजिक सिस्टम तक भी नहीं देती थी। बट इसमें अगर कंपनी इतने अच्छे स्पीकर्स दे रही है, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रही है विद वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, तो उसके लिए भाई ये है। गाइस, बात करें अगले पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इसका रोड प्रेजेंस। आपके सामने खड़ी है गाइस और आप देखो कि इसका रोड प्रेजेंस कैसा है। ये कितनी ह्यूज लगती है भाई, फॉर्च्यूनर और एंडेवर की हाइट को कंपेयर करती है ये ऑलमोस्ट। मतलब जब मैं इसको चलाता हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये एंडेवर और फॉर्च्यूनर के बराबर आती है। और जहाँ कहीं से भी ये गाड़ी निकलती है ना गाइज, तो हर कोई बंदा ना इसको ज़रूर देखता है। मतलब मैं एक बेसिक शब्दों में बता दूँ, ये गाड़ी जो है ना, ये शो ऑफ वाली गाड़ी है। पॉजिटिव पॉइंट गाइज। अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसके हेडलाइट्स। येलो लाइट्स कंपनी ऑफर करती है, बट इसका जो थ्रो है ना, इसका जो थ्रो है वो बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, क्योंकि मैं नाइट कंडीशंस में इसको अच्छे से देख चुका हूं और भाई मेरे को कहीं से कोई भी शिकायत नहीं है। हाँ, एक चीज ये है कि अगर शायद इसमें व्हाइट लाइट्स कंपनी दे देती तो और भी बेहतर होता, बट एट द एंड फॉगी वेदर्स में जितनी अच्छा ये परफॉर्म करती हैं येलो लाइट्स, वो व्हाइट लाइट्स नहीं करती हैं। अगले पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इसका माइलेज। जी हाँ, अब आप कहोगे थार और अच्छा माइलेज, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल हो गया है गाइज, जब से महिंद्रा थार 4X2 आई है ये चीज पॉसिबल हो चुकी है। जी हाँ, मैं अभी स्पीति ट्रिप में गया था। आपने वो वीडियोस देखी हैं कि नहीं देखी? और अगर नहीं देखी है गाइस तो प्लीज जाके देखो। ये गाड़ी मैं स्पीति लेके गया था और वहां पर इस गाड़ी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और सबसे जो मेन पॉइंट था वो इसका माइलेज। जी हाँ, इस गाड़ी ने मेरे को बहुत अच्छा माइलेज दिया है और मैं खुद हैरान हूं कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद ये 16 से 18 का माइलेज दे रही है। सो गाइस, जैसे आप शादियों में जाते हो आपको शगुन का 1 रुपये देना पड़ता है, उसी तरह से इस वीडियो में मैं आपको शगुन का एक पॉजिटिव पॉइंट और देता हूं। सबसे मोस्ट हाइप्ड टॉपिक क्या है? इसका प्राइस। प्राइस, ये जो गाड़ी मुझे मिली है वो मिली है इंट्रोडक्टरी प्राइस में, जो कि था 11 लाख रुपए, और मेरे को ऑन रोड पड़ी ये गाड़ी ऑलमोस्ट 25,000 रुपए की एसेसरीज लेने के बाद 13 लाख रुपए की। तो क्या भाई ये प्राइस जस्टिस करता है इस गाड़ी के लिए? जी हाँ, डेफिनेटली जस्टिस करता है। और अब आप सब लोग जानते हो कि इस गाड़ी के कंपनी ने 50,000 रुपए और बढ़ा दिए हैं, तो क्या अब जस्टिस करता है? तो हाँ जी गाइस, अभी भी करता है, क्योंकि 13.5 लाख रुपए में जो ये रोड प्रेजेंस दे रही है आपको गाड़ी, क्या और कोई गाड़ी देती है इस सेगमेंट में? मेरे हिसाब से कौन सी गाड़ियां आती हैं इसके नियर बाय में? XUV 300, i20, नेक्सॉन। बट भाई जो इसका स्टांस है ना, जो इसका रोड प्रेजेंस है, वो कोई नहीं बीट कर सकती है। ये गाड़ी उन सारी गाड़ियों के आगे बहुत ह्यूज लगती है। तो गाइस, सारे नंबर थार ऐसे ही ले जाती है।
गाइस थार को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, थार थार है एंड थार इज नॉट अ कार। सो चलो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको मेरे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स समझ में आए होंगे। बेसिकली ये किसी को ये चीजें समझ में आ सकती हैं, किसी को नहीं। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मेरे परसेप्शन थे वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। बाकी किसी को ये चीजें सही लगेंगी, किसी को नहीं भी सही लग सकती हैं। तो भाई वो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्लान कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं एक रोड ट्रिप प्लान कर रहा हूं, जो कि मैं आपसे कमिंग वीडियोस में शेयर करने वाला हूं। सो चलो गाइज, मिलते हैं आपसे एक और दूसरी नई वीडियो में।